आइए शुरू करते हैं विशेष बुलेटिन। काबुल में फंसे 150 भारतीय दोहा के रास्ते भारत आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट से कतर एयरवेज के जरिए सभी भारतीयों को दोहा भेज दिया है। संभव है इन भारतीयों को देश लाने के लिए वायुसेना का विमान दिल्ली से जल्दी ही दोहा के लिए रवाना हो। अगली खबर, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। देश के मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा, तालिबान ने किसी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मसूद मदनी ने कहा, अभी से तालिबान के लिए नेगेटिव सोच बनाना सही नहीं। अगली खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान में तालिबान का समर्थन कर रहे लोगों को आड़े हाथ लिया। आज विधानसभा में अपने भाषण के दौरान योगी ने कहा, देश में कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है तालिबान बच्चों और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा, तालिबान का समर्थन करने वाले चेहरों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। अगली खबर, ट्विटर ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्ला साले की अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेन पार्टी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अमरुल्ला साले के आधिकारिक अकाउंट को ट्विटर ने सस्पेंड किया। साले ने पंजशीर से तालिबान के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। आज पाकिस्तान पर भी साले ने निशाना साधा और कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान को निगल नहीं पाएगा। साले ने अफगानिस्तान का झंडा लेकर प्रदर्शन करने वालों को सलाम किया है। जलालाबाद के बाद कंधार में भी तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो फिलहाल इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। ABP News आपको रखे आगे।